अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम अपनी एड्रेस बुक जो कि हमने वीडियो नंबर 12 में एक हफ्ता पहले बनाई थी उसमें परसिस्टेंस की फंक्शनलिटी ऐड करते हैं। ये एड्रेस बुक हमने ऐसी बनाई थी कि इसके अंदर हम यूजर से डाटा लेके इसमें ऐड करते थे, उसको सर्च करते थे, उसको डिलीट करते थे। इस मकसद के लिए हमने पहले पर्सन इन्फो की एक क्लास बनाई थी। पर्सन इन्फो क्लास के ज़रिए हम पर्सन का नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर सेव करते थे। उसके बाद पर्सन इन्फो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के हम एड्रेस बुक के अंदर अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट पर्सन में ऐड कर देते थे। एड्रेस बुक के अंदर हमने एक अरे लिस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था। उसके बाद ऐड पर्सन का एक मेथड बनाया था जिसके ज़रिए हम पर्सन का डाटा ऐड करते थे। दूसरा मेथड हमने सर्च पर्सन का मेथड बनाया था जिसके ज़रिए हम डाटा को सर्च करते थे। तीसरा मेथड हमने डिलीट पर्सन का मेथड बनाया था कि हम डाटा को सर्च करके उस डाटा को डिलीट करते थे। इसके बाद तीसरी क्लास बनी थी जिसके ज़रिए हमने अपनी एड्रेस बुक क्लास को एग्जीक्यूट कराया था, टेस्ट बुक क्लास, जिसके अंदर हमारा मेन मेथड शामिल था। तो आज हम अपनी एड्रेस बुक को परसिस्टेंस बनाना सीखते हैं। पहले वाली एड्रेस बुक में हम डाटा को ऐड कर देते थे तो वो डाटा ऐड हो जाता था, फिर जब हम सर्च करते तो वो सर्च भी हो जाता था। लेकिन जब हम अपने प्रोग्राम को बंद कर देते थे तो उसके अंदर ऐड शुदा डाटा ख़त्म हो जाता था। जब हम दोबारा उसको चलाते थे तो वो डाटा दोबारा रिट्रीव नहीं होता था। तो आज हम इसके अंदर मज़ीद दो मेथड का इजाफा करते हैं। एक मेथड है लोड पर्सन इन्फो मेथड और दूसरा है सेव पर्सन इन्फो मेथड। जब हम अपने प्रोग्राम को चलाएंगे तो लोड पर्सन मेथड जो है वो उस फाइल में से डाटा को लोड कर देगा, और जब हम अपने प्रोग्राम को बंद करेंगे तो ये लोड पर्सन और सेव पर्सन मेथड प्रोग्राम को सेव कर देगा। तो अब सबसे पहले लोड पर्सन मेथड को बनाना शुरू करते हैं। ये नाम आ गया लोड पर्सन मेथड का। ये पब्लिक किस्म का मेथड है। इसके अंदर ट्राई और कैच ब्लॉक आ जाते हैं। इस मेथड में हम ट्राई और कैच ब्लॉक इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि हमने फाइल से डाटा लेना है और फाइल में डाटा राइट करना है, तो इसमें हमारी चेक्ड एक्सेप्शन शामिल हो जाती है, इसलिए ट्राई और कैच ब्लॉक को शामिल करना लाजमी होता है। आईओ एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डबल ई। इसके ज़रिए हम एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे। इसके ज़रिए हम फाइल इज़ नॉट फाउंड, ये एक स्ट्रिंग है, इसको हम कंसोल पर शो करा देते हैं। तो ये हमारे कंसोल पे शो हो जाएगी फाइल इज नॉट फाउंड अगर हमारी कोई आईओ एक्सेप्शन जनरेट होती है तो। इसके बाद हम नंबर्स डॉट टी एक्स टी फाइल, इसमें अपने डाटा को स्टोर करेंगे और इसी से हम अपना जब हम प्रोग्राम दोबारा चलाएंगे तो इसी फाइल से ही नंबर्स डॉट टी एक्स टी से हमारा डाटा लोड होगा। तो इस फाइल के लिए हम एक डाटा चैनल इस्टेब्लिश करते हैं। इसको हम फाइल के नाम को एज ए आर्गूमेंट फाइल रीडर के कंस्ट्रक्टर में पास कर देते हैं, और इसका एक ऑब्जेक्ट फाइल रीडर टाइप का लोड स्ट्रीम क्रिएट कर लेते हैं। फाइल रीडर कंस्ट्रक्टर नंबर्स डॉट टी एक्स टी को कॉल करेगा। यहाँ से जो डाटा रिसीव होगा वो हमारा फाइल रीडर टाइप लोड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। इसके बाद हम लोड स्ट्रीम को एज ए आर्गूमेंट बफर रीडर कंस्ट्रक्टर को दे देते हैं। ये बफर रीडर कंस्ट्रक्टर फाइल से डाटा को एक पूरी लाइन की सूरत में रीड करेगा। इससे हम फिर एक ऑब्जेक्ट फिल्टर स्ट्रीम को डाटा दे देंगे। नोड स्ट्रीम से डाटा हासिल शुदा डाटा हम फिल्टर स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को, जो कि बफर रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, इसको दे देंगे। फिल्टर स्ट्रीम के अंदर जो डाटा होगा उसको हम बफर रीडर क्लास के मेथड रीड लाइन के जरिए रीड कर लेंगे। इस मेथड को हम फिल्टर स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल कर लेते हैं और इसको एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल एस को असाइन कर देते हैं। इसके बाद हम एक वैल्यू बनाते हैं। वैल्यू के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं एस इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक एस की वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा। जब तक हमारी फाइल के अंदर डाटा लाइंस की सूरत मौजूद होगा तब तक ये वैल्यू चलता रहेगा। अब इस वैल्यू की बॉडी बना लेते हैं। इसके अंदर हम एक स्प्लिट मेथड को कॉल करते हैं। हम अपनी एड्रेस बुक में जो डाटा है उसको नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर के फॉर्मेट में सेव करते हैं।
देख लेते हैं। हमने अपने डाटा, हमारा डाटा जो है फाइल के अंदर ये इस फॉर्मेट में सेव है, राशिद डॉट करोड़ कामा सॉरी कामा, उसके बाद ये हमारे पास नंबर्स आ गए। तो हमारी पूरी लाइन एक फॉर्मेट में नहीं है बल्कि इसमें ये कामा से स्प्लिट है। तो इस राशिद को हम नेम वेरिएबल को देने के लिए, करोड़ को हम एड्रेस वेरिएबल को देने के लिए, और इस फोन नंबर को हम फोन नंबर के वेरिएबल को देने के लिए स्प्लिट मेथड को कॉल करते हैं। ये स्प्लिट मेथड स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक मेथड है। ये हमें डाटा को स्प्लिट या टोकन्स की शक्ल में रिटर्न करता है। तो इस स्प्लिट मेथड को हम एस वेरिएबल या स्ट्रिंग टाइप के एस ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल कर लेते हैं। ये हमारे लाइन को कामा जो स्प्रेडेड है उस जितने कामास होंगे उतने स्प्लिट या उतने टुकड़ों में तकसीम कर देगा। इसके बाद हम एक टोकन स्ट्रिंग टाइप का टोकन अरे डिक्लेयर करते हैं और इसको नल से इनिशियलाइज कर देते हैं। और इसी तरह नेम एड्रेस और फोन नंबर के स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। ये स्प्लिट मेथड जो है हमें टोकन्स या इंडेक्स अरे के इंडेक्स की सूरत में हमें आउटपुट रिटर्न करता है। तो इसके लिए हमने टोकन्स एक अरे बना ली और उसके इंडेक्स को हम बारी बारी इन वेरिएबल को असाइन कर देते हैं इसके आउटपुट को। तो जो हमारी जीरो इंडेक्स पे जो आउटपुट आएगी उसको हम असाइन कर देते हैं नेम को। उसके बाद जो हमारे वन इंडेक्स पे अरे के वन इंडेक्स पे जो आउटपुट आएगी उसको हम एड्रेस को असाइन कर देते हैं। इसके बाद जो हमारी टू इंडेक्स पे जो आउटपुट आएगी उसको हम फोन नंबर को ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम इन तीनों वेरिएबल्स को एक पर्सन इन्फो के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करके, पर्सन इन्फो का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसको कॉल करके हम ये पैरामीटर एज आर्गुमेंट पास कर देते हैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं पर्सन इन्फो टाइप का पी। इस पर्सन इन्फो टाइप के ऑब्जेक्ट पी को, जिसके अंदर हमारे ये नेम एड्रेस और फोन नंबर के वेरिएबल्स स्टोर हैं, उसको हम अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट पर्सन के अंदर स्टोर करा देते हैं। ऐड पर्सन को हम एज ए अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट, अरे लिस्ट के मेथड ऐड में ऐड पर्सन के पर्सन इन्फो के ऑब्जेक्ट पी को एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं और इस मेथड को हम अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट पर्सन के जरिए कॉल कर लेते हैं। तो ये हमारे तीनों ऑब्जेक्ट सॉरी वेरिएबल नेम एड्रेस और फोन नंबर अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट पर्सन में ऐड हो जाएंगे। फिर इसके बाद दोबारा फिर हम अपनी दूसरी लाइन को व्हाइल लूप के जरिए रीड कर लेते हैं फिल्टर स्ट्रीम के जरिए। ये रीड लाइन मेथड बफर्ड क्लास का मेथड कॉल होगा। उसके बाद रीड लाइन मेथड से जो हमें आउटपुट हासिल होगी उसको हम एस टाइप की स्ट्रिंग को असाइन कर देते हैं और ये लूप फिर इसी तरह चलता रहेगा जब तक हमारी फाइल में सारा डाटा अपलोड नहीं हो जाता। उसके बाद हम व्हाइल लूप से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम अपनी लोड स्ट्रीम और फिल्टर स्ट्रीम दोनों को एक क्लोज मेथड के जरिए क्लोज कर देते हैं। फिल्टर स्ट्रीम और नोड स्ट्रीम को हम इसलिए क्लोज करते हैं कि ये एक्सटर्नल सोर्स पे पड़ी हुई फाइलें होती हैं, तो इनको क्लोज करना अच्छी बात है। तो इस तरह हमने एक लोड पर्सन का मेथड बना लिया जो कि जब हम अपना प्रोग्राम चलाएंगे तो ये हमारी फाइल में पड़े हुए डाटा को एड्रेस बुक में लोड करा देगा। इसके बाद हम अपना सेव पर्सन का मेथड बनाते हैं। जब अपने प्रोग्राम से एग्जिट होंगे तो ये सेव पर्सन मेथड डाटा को txt फाइल में सेव कर देगा। ये भी हमारे पास पब्लिक वाइड किस्म का मेथड है, इसको भी हम ट्राई और कैच बुला के जरिए लिखते हैं। आई एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, इसके आई एक्सेप्शन हम प्रिंट करा लेंगे अनेबल टू राइट, कंसोल पे इसको प्रिंट करा लेते हैं। इसके बाद ट्राई बुला के अंदर हम नंबर्स डॉट txt फाइल का एक डाटा चैनल बनाते हैं। इसको हम फाइल राइटर क्लास के कंस्ट्रक्टर फाइल राइटर को एज आर्गुमेंट पास कर देते हैं और नंबर डॉट txt फाइल से जो डाटा हासिल होगा हमें उसको हम फाइल राइटर टाइप के एक ऑब्जेक्ट नोट्स स्ट्रीम को असाइन कर देते हैं। इसके बाद हम इस नोट्स स्ट्रीम को प्रिंट राइटर के कंस्ट्रक्टर को एज आर्गुमेंट दे देते हैं। यहाँ से जो वैल्यू हासिल होगी उसको हम प्रिंट राइटर टाइप फिल्टर स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं। इसके बाद नोट्स स्ट्रीम से जो डाटा हमें हासिल हुआ है वो फिल्टर स्ट्रीम में आ गया। फिल्टर स्ट्रीम से जो हमें डाटा हासिल होता है उसको हम एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल एस को पास कर देंगे। इसके बाद एक फॉर लूप बना देते हैं, इसमें एक कंडीशन वेरिएबल आई आ जाता है, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो से। इसके बाद कंडीशन लगा देते हैं कि जब तक हमारे आई वेरिएबल की पर्सन जो कि हमारे पास अरे लिस्ट में एक ऑब्जेक्ट है उसके साइज से कम है इसकी वैल्यू आई की, तो तब तक हमारे इस फॉर लूप को चलाते रहो। फॉर लूप के अंदर हम एक गेट मेथड जो कि अरे लिस्ट का एक मेथड है उसको हम कॉल करते हैं और उसको हम कंडीशन वेरिएबल आई एज ए आर्गुमेंट पास कर देते हैं।
अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट पर्सन के जरिए गेट आई मेथड को कॉल कर लेते हैं। इससे जो वैल्यू हासिल होती है उसको हम एक पर्सन इन्फो टाइप ऑब्जेक्ट पी को असाइन कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डाटा टाइप पर्सन इन्फो टाइप का है और दूसरा डाटा टाइप हमारे पास आई इंटीजर टाइप का है, तो इसको हम डाउन कास्टिंग के जरिए आई इंटीजर टाइप को पर्सन इन्फो में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं पर्सन इन्फो। तो यहाँ से जो डाटा हमें हासिल होता है उसको हम स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। सबसे पहले हम नेम को पर्सन इन्फो के मेथड गेट नेम से हासिल करते हैं। यहाँ से हम नेम को हासिल करके एस पी ऑब्जेक्ट को दे देते हैं। इसके बाद इसी तरह हम कॉमा लगा देते हैं। दूसरा हमारे पास गेट एड्रेस जो पर्सन इन्फो क्लास का एक गेटर मेथड है, उसके जरिए हम एड्रेस हासिल करके एस पी ऑब्जेक्ट से हम एड्रेस हासिल करके इस गेट एड्रेस मेथड को दे देते हैं। इसी तरह हम फ़ोन नंबर को हासिल कर लेते हैं और इस सब को हम एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल एस को असाइन कर देते हैं। इसके बाद हम इस एस को प्रिंट एलन मेथड के जरिए फिल्टर स्ट्रीम जो हमारी उसको दे देते हैं। तो ये प्रिंट एलन मेथड इस सारे डाटा को लेके फिल्टर स्ट्रीम मेथड के जरिए नंबर डॉट टी एक्स टी फाइल में सेव कर देगा। जब तक हमारे कंडीशन वेरिएबल की वैल्यू पर्सन ऑब्जेक्ट्स के साइज से कम नहीं हो जाती तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा और ये डाटा टी एक्स टी फाइल के अंदर राइट करवाता रहेगा। इसके बाद हम अपने फिल्टर स्ट्रीम को फ्लश करवा देते हैं। फ्लश कराने का फायदा ये है कि ये जो प्रिंट एलन मेथड है प्रिंट राइटर क्लास के अंदर, ये अपने अंदर डाटा को सेव करता रहता है। इसकी एक अपनी इंटरनल मेमोरी होती है, तो जब तक इसकी मेमोरी फिल नहीं होती तब तक ये डाटा अपने अंदर स्टोर करता रहता है। फ्लश मेथड को कॉल करने से ये अपना डाटा इस टेक्स्ट फाइल में सेव कर देता है। इसके बाद हम फिल्टर स्ट्रीम को क्लोज कर देते हैं और नोड स्ट्रीम को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह आज हमने अपनी एक एड्रेस बुक को परसिस्टेंस बनाना सीख लिया। इसके अंदर हमने दो मेथड, एक सेव पर्सन मेथड और दूसरा लोड पर्सन मेथड, ये दोनों बनाए हैं। लोड पर्सन मेथड को हम एड्रेस बुक के कंस्ट्रक्टर में कॉल करते हैं। जो ये हमारा प्रोग्राम रन करे तो ये एड्रेस बुक के कंस्ट्रक्टर के जरिए यहाँ पे लोड हो जाए। और इस सेव पर्सन के मेथड को हम अपनी टेक्स्ट बुक के केस नंबर 4 में कॉल करते हैं। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने लगे, जब हमारा प्रोग्राम एग्जिट होने लगे तो उससे पहले ही ये सारा डाटा इसमें सेव हो जाए। तो अब इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। जावा सी टेक्स्ट बुक डॉट जावा, ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। जावा टेक्स्ट बुक, तो जब हमारा प्रोग्राम रन होना शुरू हो गया तो अब हम इसके अंदर डाटा ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए वन प्रेस करते हैं, नाम लिख देते हैं यहाँ पे, बाकी एड्रेस लिख देते हैं जमन शाह, फ़ोन नंबर लिख देते हैं। इसके बाद अब हम नाम को सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के लिए हम टू प्रेस करते हैं, तो ये इसने हमें अपना अपना सर्च करके दिखा दिया। इसके बाद इस प्रोग्राम से हम एग्जिट हो जाते हैं। एग्जिट करने के लिए हम प्रेस करते हैं 4, तो इस प्रोग्राम से हम एग्जिट हो गए। तो अपने नंबर डॉट टी फाइल के अंदर हम देखते हैं कि ये वाला डाटा ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये बाकी जमन शाह और ये फ़ोन नंबर इसके अंदर ऐड हो गया है। अब हम अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखते हैं। जावा टेस्ट बुक, ये दोबारा हमने इसको रन किया है एक दफ़ा क्लोज करने के बाद। तो अब इसमें से हम सर्च करते हैं कि इसमें डाटा दोबारा वापस आया कि नहीं आया। तो इसने दोबारा से डाटा को लोड परसेंट मेथड के जरिए लोड कर लिया है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर कहीं पे किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।